हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का इंग्लिश का और एक पेपर लेकर के आई हूँ। ये हमारा डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने अदर डिस्ट्रिक्ट का भी क्वेश्चन पेपर दिया है चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये सारे क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को इसीलिए प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि देखिए, आप लोग अगर एक डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट है तो आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्वेश्चन पेपर इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। या तो आपको ख़रीदना पड़ता है या फिर हर चैनल पे अवेलेबल नहीं रहता है हर डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर। बट मैं आप लोगों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ रही हूँ ताकि आप लोगों को एनुअल एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो डेफिनेटली आपका एनुअल अच्छा जाएगा, ठीक है। और मैं तो हुई आप लोगों को मदद करने के लिए, बट ये सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों के एनुअल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो प्लीज़ आप लोग इसे सॉल्व ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एनुअल में आप लोगों का पूरा पोर्शन ही आएगा, सिर्फ हाफ पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरनल एग्जामिनेशन कमेटी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 इंग्लिश क्लास 9, फुल मार्क्स 90, पास मार्क 27 एंड टाइम 3 आवर्स, ठीक है। द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का ए, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये हाफ मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन है, टोटल 1 मार्क्स। इसका पहला क्वेश्चन है, काउंटी इंस्पेक्टर वाज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एविलियन वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट। क्वेश्चन बी, चूज द मीनिंग ऑफ द इटालिसाइज्ड वर्ड फ्रॉम द चॉइस गिवन इन ब्रैकेट्स, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, माय ऑस्ट्रियन फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। ऑप्शन है सिंपल, पीस, एक्स्ट्रा वर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेट बिलीफ डिस्ट्रस्ट वर्थ। क्वेश्चन नंबर 3, द साउंड ऑफ द सहनाई बिगिन टू बी कंसाइडरेट ऑस्पिशियस अनप्लेसेंट प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून इज बिंग गुड फॉर ट्यून। क्वेश्चन नंबर 4, विद द coveted award resting on his chest, much desired record break for a long time. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट आंसर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला क्वेश्चन है, मार्गी डिड सो विद अ साई, शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, हर फ्रेंड्स, द काउंटी इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आई वुड से माइंड वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ। इसके ऑप्शन है, मैरिली एंड हैप्पीली, मटेरियली एंड इमोशनली, कंफर्टेबली एंड लग्जरियसली। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, एविलियंस मदर नोटिस हर डिफनेस व्हेन शी वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। क्वेश्चन नंबर 2, एविलियन फील्स द म्यूजिक थ्रू हर फिंगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। क्वेश्चन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड वॉज मार्गी। क्वेश्चन नंबर 3, हु स्पॉटेड एविलियंस पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 4, हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी। क्वेश्चन नंबर 5, नेम अब्दुल कलाम्स ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डिड टॉमी फाइंड द रियल बुक। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज
परक्यूशनिस्ट क्वेश्चन नंबर 8 नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कोजेस फॉर विच इविलियन परफॉर्म क्वेश्चन नंबर 9 व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्ला खान गेट हिज बिग ब्रेक क्वेश्चन नंबर 10 डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल क्वेश्चन नंबर 11 विच रैग डिड बिस्मिल्ला खान प्ले ऑन 15 विच राग डिड बिस्मिल्ला खान प्ले ऑन 15th August 1947 वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक ओके आप लोग मार्क्स साइड में देखते जाना क्वेश्चन सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इन इटालियसाइज्ड वर्ड फ्रॉम द चॉइस गिवेन गिवेन इन ब्रैकेट्स डैश क्ले एंड Wattles made bamboo twist stick pipes. Question number 2. Midnight dash midnight all a glimmer shine dark night. Next question 13. Give one rhyme word for each of the following word. Could, way, sigh, shore. Question number 14. Where did the roads diverge? Question number 15. Name the poet of the poem The Lake Isle of Innisfree. Question number 16. What was the little woman doing? Question number 17. And sorry, I could not travel both and we one travel. Question number. Iske options hai. One. Where did the poet stand? And question number 2. What difficulty did the poet face? Question number 18, where does the poet want to go and why in the poem The Lake Isle of Innisfree? Question number 19, how did Saint Peter punish the lady? How did Saint Peter punish the lady? Section C, question number 20, describe in your own words what happened when Toto was taken to Saharanpur. Question number 21. How did Toto come to grandfather's private zoo? Give an account of the appearance of Toto. Section D. Question number 22. Choose the appropriate preposition from those given in brackets and fill in the blanks. Question number A. Send the money dash post too far by. Question number B. This house consists dash 5 rooms of in 2. Question number C. He agreed dash my proposal with 2-4. Question number D. My father was angry dash me at with on. Question number E. Do not hanker dash wealth for after by. Question number F. The old man leaves dash begging on by from. Question number 23. Give the correct forms of the verbs given in bracket. Question number A. The passenger jump off the bus while it move. Question number B. The match start before they arrive. Question number C. The baby cry because it is hungry. Question number D. The train arrives at 9 a.m. every day. Question number E. He go to school daily. Okay. Now question number 24. Question number 24. Rewrite the following sentences as directed in the brackets. और हाँ जितना भी grammar portion है आप लोगों का English का Hindi का whatever और जितना भी social portion है मैं एक बार half yearly ख़त्म होने दो हर एक district का उसके बाद मैं आप लोगों के सारे papers का solution लेकर के आऊँगी ठीक है अगर मतलब इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर ए माय फादर इज़ अ टीचर पुट अ क्वेश्चन टू गेट द आंसर क्वेश्चन नंबर बी द बुक कॉस्ट 30 rupees आस्क अ क्वेश्चन यूजिंग हाउ मच ही क्वेश्चन नंबर सी ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द post ask a question using who question number D she is a good singer dash add a question tag they did not come to school dash add a tag question okay question number
क्वेश्चन नंबर 25, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ द ग्रुप ऑफ जंबल वर्ड एंड रिवर गुवाहाटी द स्टैंड ब्रह्मपुत्र बैंक ऑफ द बी द सो इन बॉय आई दी शॉप सी प्लीज योर डिक्शनरी मी लैंड डी ही टू हेल्प दी बेगर रिफ्यूज्ड ई सीता गुड गर्ल इज ओके. क्वेश्चन नंबर 26, चेंज द फॉर्म ऑफ वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ही गेव मी अ बुक अ लेटर वॉज बींग रिटन बाय द गर्ल इट विल बी पब्लिश्ड बाय हिम ही हैज डन द वर्क राइस इज रिटन बाय अस ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 27 ए prepare a report based on the following information date 5/9/2021 Milan Nagar Dibrugarh collision between a bike and a car a passenger in the car dead at the spot the biker and two other injured severely admitted into AMC hospital and gathering of public in the place of accident theek hai ek report तैयार करना है और बी यू आर द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन राइट अ नोटिस इन योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग आर्टिकल फॉर द स्कूल मैगजीन ओके. नेक्स्ट 28 एम्प्लीफाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स ऑनेस्टी इन द इज द बेस्ट सॉरी बेस्ट पॉलिसी बी एन एम्प्टी वेजल साउंड मच सी नो पेन नो गेन ओके. क्वेश्चन नंबर 29 रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस ठीक है. ये पैसेज देख लीजिए बहुत बड़ा है ठीक है. आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो ठीक है. इसके बाद देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस ये भी आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए ठीक है. इसके अलावा मैंने चैनल पे और भी बहुत कुछ डाला है तो प्लीज़ देखें आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी. तब तक के लिए बाय टेक केयर.